the concert for Pakistan. Before I start to talk about Pakistan, nothing comes from violence, but nothing ever could. Sorry, mera sachcha sahi tu hai, main tera banda, tu hi mera mola sahi, tu hi mera mola sahi. जी हाँ, मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ, ठीक 8 साल बाद 9/11 के वाक़े और साने ने सारी दुनिया पर जो असरात मुरतब किए. कहा यह जाता है कि दुनिया की तारीख तब्दील हो गई, ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें या इस रीजन के हवाले से देखें, उसके असरात जो हमारे पाकिस्तान पर और उसके इतराफ़ के इलाकों पर पड़े, उसका इम्पैक्ट जानने के लिए मैंने सोचा कि 8 साल बाद यानी जब 9/11 हो रहा हो तो न्यूयॉर्क में जाकर देखा जाए सड़कों पर, चौराहों पर और यूनाइटेड नेशन के इतराफ़ में और ख़ुद 9/11 जहां हुआ उसके इतराफ़ में. कल तक यानी 9/11 से सिर्फ एक दिन पहले तक मुझे पूरी न्यूयॉर्क की जो चहल पहल थी, उसकी ज़िंदगी थी, उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई. बल्कि एक दिन पहले बराक ओबामा की जो स्पीच थी, उसमें जो मीडिया ने कवर किया, जो डोमिनेट कर रहा था, वो उनकी हेल्थ पॉलिसी थी. कहा यह जाता है कि बड़ी हद तक न्यूयॉर्क के लोग अमेरिकन के जहनों से आहिस्ता आहिस्ता 9/11 मादूम होता जा रहा है. और उसका सबब यह है कि अब मजीद जॉर्ज बुश नहीं रहा जिसने 9/11 को अपने इख्तदार की खातिर रखा. ये कहते हैं कि जनवरी के बाद जो चेंज आया है, उसके बाद जो 9/11 हुआ, वो एक हद तक लो प्रोफाइल रहा. और उस दिन जो अलसुबह यकीनन वो जो तकरीब थी जिसमें उसमें जो हलाक हुए उन मरहूमीन के लिए दुआ हुई, वो सब तो कुछ हुआ. लेकिन मजबूरी तौर पर मैंने न्यूयॉर्क में जो अमेरिकन मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट को देखा, उससे भी ये लगा कि वो नहीं चाहते कि तवातुर से बार बार 9/11 के ज़ख्मों को कुरेदते रहें. यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि हमने जो पाकिस्तान से 2 दहाई कबल या 3 दहाई कबल जो जलावतन यहाँ आ गए हैं, आपको इल्म है हर शोबे में मौजूद हैं वो, तो उसमें मैंने लॉयर्स मूवमेंट में बहुत अहम रमदान राना साहब और एक सीनियर जर्नलिस्ट हसन मुश्तबा से को सोचा कि बुलाया जाए और उनसे मालूम किया जाए न्यूयॉर्क की सड़कों पर कि अब 9/11 के बाद वो क्या देख रहे हैं अमेरिकन पॉलिसी को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से. क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है हसन मुश्तबा साहब. इस वक्त न्यूयॉर्क में बारिश हो रही है और मैंने सोचा कि अब देखें इस बारिश में, बल्कि खुशगवार मौसम में, पाकिस्तान में खुशगवार मौसम अगर ऐसा होता तो हम किस तरह धूमे मचाते. मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आप लोग जो है उस तरह वो धूमे मचाते तो नहीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट से ज़रूर ये लगता है कि पाकिस्तान से आने के बाद अमेरिका में, ये जो दुनिया के सबसे बड़ा है सरमायादार मुल्क में आए, कुछ खुशहाली ने आपका कुछ बिगाड़ा या नहीं हसन राना? नहीं, खुशहाली तो नहीं बिगाड़ा, लेकिन यहाँ पर कुछ कदरें, कुछ वैल्यू जो है नज़र आई और उसकी वजह से हमें महसूस हुआ कि काश ये मेरे मुल्क में भी होता. और जब हम लोग आए थे यहाँ पर जलावतन होकर, तो इस मुल्क ने रूल ऑफ लॉ था और जिसका खात्मा जो है उस वक्त हुआ जब 2001 में जो है 9/11 का वाकया हुआ. उससे पहले इस मुल्क में हर तरह का रूल ऑफ लॉ था और हमारे पूरे पूरे हकूक़ थे, जो हमें 8 साल तक जो हमारे हकूक़ जो है वो गस्ब हो गए, जिसमें पैट्रियाटिक एक्ट और वहाँ भी हुकूक गज़ब, यहाँ आकर भी हुकूक गज़ब. देखिए बारिश बढ़ रही है, मैं चाह रहा हूँ ज़रा किसी शेड में जाकर बात करेंगे. हसन मुश्तबा से पूछें कि जनाब आने के बाद जो मैंने पहला सवाल किया था, न्यूयॉर्क के मौसम और पाकिस्तान के हुक्मरानों पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ हैं. और रही बात के आज़ादी का, यह है कि आज़ादी एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम बिल्कुल वहाँ पे टेकन फॉर ग्रांटेड समझते थे, और यहाँ भी एक्चुअली 9/11 का, 11 सितंबर का आपने जिक्र किया, 11 सितंबर जो है उसके बाद काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तमाम जो है कौमों में, अमरीका में, और ख़ुद जो है अमरीका में रहने वाले पाकिस्तानियों में और
और जो है इमिग्रेंट्स में, तारिकन वतन में। मैं अभी रमज़ान राना और हसन मुश्तबा से गुफ्तगू कर रहा था तो अमीन हाशवानी साहब भी यहाँ आ गए। अमीन हाउ आर यू? फाइन। अमीन हाशवानी साहब, आपको इल्म है कि यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन का जो फंक्शन हो रहा है एडीपीज़ के लिए, तो हम अभी अमीन जस्ट इंटर हो गए। मैंने सोचा कि अभी जो वक्त मिला है इनसे ये पूछूं कि अब जो 8 साल बाद हो गए हैं उसका क्या 9/11 का इम्पेक्ट हुआ। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि आप जो यहाँ आए हुए हैं, ज़रा मैंने कहा क्विक, वैसे तो अंदर ज़्यादा डिटेल बात होगी, लेकिन ये जो इवेंट कहा ये जा रहा है कि अभी गुफ्तगु 9/11 पे हो रही थी लेकिन यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली को फर्स्ट टाइम जो है इन लोगों ने लिया है, किस तरह लिया है, क्या कर रहे हैं, इस हवाले से मैं ज़रा सा पूछ लूँ। जी अमीन जी, बल्कि मुझे दे दें। इट्स फाइन। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम ये जनरल असेंबली हॉल में हो रहा है, फॉर अ कंट्री स्पेसिफिक इवेंट इन्होंने अलाउ किया है, विच इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान। एंड हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान का जो इशू है, फॉर एग्जांपल आईडीपी है, ये ग्लोबल स्टेज पर इसको हाईलाइट किया जाए एंड हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंटरनेशनल ऑडियंस को बताया जाए। एंड जितने भी स्टेक होल्डर्स है, ये ना सिर्फ गवर्नमेंट बट फिलैंथ्रोपिस्ट है, यहाँ की सिविल सोसाइटी है, बिजनेसमैन है, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में, इन सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे गैल्वेनाइज किया जाए। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट होल एफर्ट, इसमें सलमान अहमद इज़ लीडिंग द एफर्ट एंड आई एम ट्राइंग टू। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को आज आपने लिए बुलाया है? इसमें ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट है, बॉबी सेगर आ रहे हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान में इन्होंने बहुत काम किया, अर्थक्वेक में किया था, आफ्टर 9/11 ये आए थे, इनकी अपनी फिलैंथ्रोफी है, ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे, सिटीजन फाउंडेशन को ये हेल्प करते हैं एंड इन्होंने बहुत